मुख्यमंत्री कमलनाथ की टीम तैयार हो गई है। कमलनाथ की कैबिनेट में 28 मंत्री शामिल हैं, जिनमें अनुभवियों के साथ युवाओं को तरजीह देने के साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सबसे इतर जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, उनकी नाराजगी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। खासतौर से केपी सिंह मंत्री नहीं बनाए जाने से क्रोध भवन में चले गए, तो मुरैना की सुमावली से विधायक हेंदल सिंह कंसाना के समर्थक भी उन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा हैं। इतना ही नहीं, चार बार के विधायक नाती राजा को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए न्योता तक भेज दिया गया था और वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच भी गए, लेकिन आखिरी वक्त पे उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। इधर बसपा और सपा के दम पर कांग्रेस ने सरकार बनाई, वो भी नाराज है कि उनमें से किसी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। इसका हवाला ये दिया गया कि पहली बार विधायक बनने वालों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। इन सभी की नाराजगी कमलनाथ सरकार के लिए दर्द सिर साबित हो सकती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि तमाम असंतुष्टों को साधने के लिए सरकार उन्हें संसदीय सचिव बनाए जाने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल जुटाने में सपा और बसपा और निर्दलियों की भूमिका सबसे अहम रही है, या यूं कहें कि सरकार बनी ही इनके दम पर है तो कहना गलत नहीं होगा। कमलनाथ ताबड़तोड़ फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन असंतुष्टों को साधने के लिए वो क्या करते हैं, देखने वाली बात होगी। उधर छत्तीसगढ़ में सूरत हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही असंतुष्टों के स्वर मुखर हो गए थे। राजिम से विधायक अमितेश शुक्ला मंत्री नहीं बनाए जाने से खासे खफा नजर आए। पार्टी के आदेश को उन्होंने सर्वोपरि जरूर बताया, लेकिन नेहरू गांधी परिवार से पुराने रिश्ते गिनाना वो भूले नहीं। बहरहाल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के लिए सरकार चलाने के साथ असंतुष्टों को साधना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बना ली, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही असंतोष के स्वर भी उभरने लगे, जिससे दोनों ही राज्यों में सियासी पारा चढ़ गया है। मध्य प्रदेश में सपा और बसपा के विधायकों को मंत्री न बनाए जाने से उनकी पार्टी के सुप्रीमो नाखुश नजर आ रहे हैं, तो मंत्री न बनाए जाने पर कांग्रेस के कुछ नेताओं के चेहरे और जबान पर भी असंतोष साफ नजर आ रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से विधायक अमितेश शुक्ल, धनेन्द्र साहू जैसे दिग्गज रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। संख्या बल की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की स्थिति मध्य प्रदेश से भिन्न है। मध्य प्रदेश में निर्दलीय हो या फिर सपा बसपा के विधायक, इनके रूठने से सरकार की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष, टीम कमलनाथ और असंतोष। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शैलेंद्र प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पंकज पाठक वरिष्ठ पत्रकार, संतोष गौतम कांग्रेस नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता, और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे देख रहे हैं प्रधान साहब आप इन सारी परिस्थितियों को? मेजॉरिटी की सरकार चलाना, ये पहले मैंने कहा था ये तो टाइट रूप वॉक है, जरा भी हिलेंगे डुलेंगे गिर जाएंगे। अभी तीन निर्दलीय रूठे बैठे हैं और तीन बसपा सपा के विधायक रूठे बैठे हैं। अब इसके बाद आप घोषणाएं बड़ी बड़ी करते जा रहे हो, पूरी कैबिनेट के आपने मतलब पोर्टफोलियो आपको घोषित करने में 24 घंटे लग गए हैं, तो आप समझ लीजिए क्या हाल है, कैसी सरकार चलेगी और क्या विकास होगा प्रदेश का। अब पहले अपना तो समेटे, तब तो जनता की बीच में जाएं काम के लिए। जी, तो क्या लग रहा है आपको, कुछ आप सपोर्ट अपोर्ट करेंगे कि बस इसी असंतोष को उभारेंगे या इसका लाभ उठाएंगे? अरे हम सपोर्ट करेंगे, आप भी प्रश्न उल्टा कर रहे हैं। जनता की चिंता है ना आपको, तो आपने जैसा बताया आपकी बात से लगा। अब जनता ने हमें अभी 6 वोट कम दिए हैं जी, तब जनता खुद निर्णय करेगी। अभी फिर से हो सकता है कि ये एक आध दो टूट जाए और सरकार फ्लोर पे, मतलब जनता खुद निर्णय करेगी कि जनता भुगतेगी, ऐसा लग रहा है जैसे जनता भुगतेगी जी, देखेगी भुगतेगी, देखेगी वो फिर निर्णय करेगी। जी 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 जी,
क्या कहेंगे संतोष गौतम, आप कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीज़ों को? ये लेकिन जो प्रधान साहब कह रहे हैं कि अब आप पहले मंत्री बनाने में देर कर दी, अब आप पोर्टफोलियो भी नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस में ये बहुत अच्छा हो रहा है कि कमलनाथ जी पूरे सोच समझकर और मंथन के बाद सारे फैसले ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये एक दिन में हो जाए या ऐसा कोई नियम है। आराम से सोच समझकर फैसला लिया जाएगा, आज या कल में ये फैसला पूरी तरह संभावित है और सभी को पोर्टफोलियो का वितरण हो जाएगा। अरे लेकिन कई लोग असंतुष्ट हैं, केपी सिंह को भवन में चले गए, आपके जो कुछ निर्दलीय साथी जिन्होंने बिना शर्त आपके साथ आ गए थे, आपके एक विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा जो जेएस के हैं, आपने अपनी अपने सिंबल पर उन्हें चुनाव लड़ाया, वो आपके ये जो सहयोगी हैं, इवन यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाई हम तो चाहते हैं सब इकट्ठे होकर चलें, लेकिन क्या सरकार की नीयत है, कांग्रेस की नीयत ऐसी है, ये सब सवाल तो उठने लगे हैं। नहीं सब ठीक, कुछ सही है ऐसा तो है नहीं? नहीं बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने वर्षों बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को जनता ने उखाड़ फेंका है, इसके बाद यदि कुछ महत्वाकांक्षाएं या कुछ इच्छाएं सभी विधायकों की हैं या सभी प्रतिनिधि दलों की हैं तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं मानता हूँ, ये उनकी इच्छाएं स्वाभाविक हो सकती हैं, लेकिन इतने लोगों के बीच में ये तो निश्चित है कि 15% का जो एक दायरा है उसके उससे ज़्यादा मंत्री बनाए नहीं जा सकते, तो ये सभी कुछ सोच समझ कर एक संतुलित मंत्रिमंडल बनाया गया है और ये सारे असंतोषों को धीरे धीरे दूर कर लिया जाएगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं। चलिए पंकज पाठक कैसे देख रहे हैं आप ये सब? देखिए जब चुनाव में जाते हैं उम्मीदवार तो वे सेवा की भावना से जाते हैं, तो वो कहते हैं हम राजनीति में सेवा की भावना से जाते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो सत्ता का सुख उनको चाहिए। तो अब जो जो भी ये क्लेमेंट है, जो जो दावेदार हैं, वो उनका दावा इस हिसाब से तो इस दृष्टि से तो सही है, और ख़ासकर वो 6 लोग जो कि कांग्रेस के लोग नहीं हैं, जो 3 निर्दलीय विधायक आए हैं, मैं उनको कांग्रेस का इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट पे नहीं जीते हैं, कांग्रेस से बगावत करके कांग्रेस से निकाले जाने के बाद निर्दलीय जीते हैं, इसलिए उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कांग्रेस के ऊपर एहसान कर रहे हैं। बाकी 3 तो दूसरी पार्टियों के हैं, भले ही उनकी डोर लखनऊ से जुड़ी हुई है जी। उनका क्लेम भी अपनी जगह सही है, अगर इस दृष्टि से बात कहें सत्ता को भोगने की। वो जो समाजवादी से जीते हैं वो भी पुराने कांग्रेसी हैं, वो जो समाजवादी से जीते हैं वो भी पुराने कांग्रेस। अब रिजवान भाई देखिए अब किसका क्या बैकग्राउंड है इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सारे लोगों को सत्ता में भागीदारी चाहिए, उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। अगर उनका बैकग्राउंड कांग्रेस के प्रति समर्पण का होता तो वो कोई पार्टी बदलते नहीं, विद्रोह करते नहीं, निकाले नहीं जाते या छोड़ते नहीं पार्टी। तो मेरा कहना यह है कि जहाँ पर कोई मापदंड नहीं होता, जहाँ पर कोई नियम, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र संतोष जी ने कहा कि नियम, ये नियम नहीं है इसका कोई, अब ये ठीक है आपने सही कहा कि नियम नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, 1 शताब्दी से अलग समय हो गया, वो नियम क्यों नहीं बनाती है? आज सारी पार्टियां कांग्रेस का अनुसरण कर रही हैं, अच्छाई में, बुराई में, हर चीज़ में, तो उनको कोई नियम बनाना चाहिए ना, कुछ परंपराएं ऐसी छोड़ें जो अच्छी परंपराएं हों। कांग्रेस क्यों इस प्रकार का प्रदर्शन, आप देखिए 11 तारीख का नतीजा आया, 11 तारीख को ये स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, 12 तारीख को आपका नेता का चयन हो जाना चाहिए था, आपने 17 तारीख को नेता का चयन किया, उसके बाद आपने कब शपथ दिलवाई और कब मंत्रिमंडल बना, और अभी देखिए पोर्टफोलियो का कोई अता पता नहीं है, स्वाभाविक ही असंतोष भड़केगा। और कांग्रेस में तो असंतुष्टों की गतिविधियाँ, रिजवान भाई आप जानते हैं 13 साल से असंतुष्टों की गतिविधियाँ नहीं थी, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में असंतुष्ट साफ हो गए थे, सत्ता के केंद्र हो गए थे वो, दिग्विजय सिंह के 10 साल में आप देखिए असंतुष्टों की गतिविधियाँ पहले 5 साल में कितनी ज़्यादा थी, दूसरे कार्यकाल में भले कम हुई हैं, तो कांग्रेस में सो असंतोष भड़कता है और इसको नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस को अब कुछ कदम उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ये, अब कमलनाथ जी ने एक बड़ा विरोधाभासी बात कही है कि वो सारे ऐसे निगम मंडलों को बंद करेंगे, अब उनको जब बंद करेंगे तो आप फिर मुंह कैसे बंद करेंगे लोगों का, तो कई ऐसी चीज़ें हैं अभी इनका सामना उनको करना पड़ेगा। देवदत्त आप मंत्रालय को कवर करते हैं अक्सर, सत्ता के इस गलियारे में चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, बड़े नज़दीक से इसको देख रहे हैं, आज भी दिन भर अफवाहों का दौर रहा कि ये पोर्टफोलियो इसके दिए जा रहे हैं, विभागों के बंटवारे होंगे, लेकिन लगता नहीं है कि अब आज विभागों के बंटवारे होने वाले हैं।
कैसे देखते हैं? और दूसरा, ये संसदीय सचिव बनाए जाने की भी कुछ चर्चाएं हैं, तो क्या लगता है, ये यही कांग्रेस का अपना वो भी प्लान है जिससे वो सबको संतुष्ट कर देना चाहती है, असंतोष सब जगह समाप्त कर देना चाहती है? और नेता के चयन की बात हो, मंत्रियों के चयन की बात हो, या विभागों के बंटवारे की बात हो, देर आखिर लग क्यों रही है? आपको क्या लगता है, इसकी वजह क्या देखते हैं? देखिए, ये सब जो है सत्ता का स्वभाव है, ये किसी दल का नहीं है, ये सत्ता के साथ ये सब चीज़ें जुड़ती ही हैं। भाजपा जब उत्तर प्रदेश भारी बहुमत के साथ आई थी तब वहाँ मुख्यमंत्री चयन करने में उनको 15 दिन लग गए थे। यहाँ भी अभी नेता प्रतिपक्ष चयन नहीं कर पा रही भाजपा, ये सब सत्ता के स्वभाव हैं। और कांग्रेस तो इन सब चीज़ों में बहुत माहिर रही है और 15 साल से वो सत्ता से बाहर है, तो लोगों ने जिन्हें संघर्ष किया है, जो पार्टी सत्ता में वापस आई है, सबकी अपेक्षाएं हैं। आप देखें कि ये जो विभाग वितरण टिकट वितरण से शुरू हो गया था, टिकट वितरण नामांकन के एक दिन पहले तक कांग्रेस की लास्ट सूची आई, तो ये सब जब पार्टी दल और सत्ता ये सब चीज़ें उसके इर्द गिर्द ही रहने वाली हैं, कोई दूध का धुला दल नहीं है और कोई नेता भी ऐसा पाक साफ नहीं है जो जिसके बारे में अपन गंगा जल लेके कह सकें कि ये दल ठीक है, ये राजनीतिक व्यक्ति ठीक है। सबके साथ वो बुराइयाँ हैं, किसी की ओपन हो जाती है, किसी की ज़्यादा होती, किसी में कम रहती। आप विभागों का वितरण भी अब इतना आसान नहीं है, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह की सूचियाँ दिल्ली तलब कर ली गई हैं, विभाग का वितरण भी अब दिल्ली से ही हुआ, क्योंकि अभी समस्या मध्य प्रदेश और राजस्थान की नहीं है, समस्या है मई 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की, उसी के तहत ये फटाफट निर्णय हो रहे हैं जो कमलनाथ जी ने 2 दिन में किए, और उसी के तहत ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब उसको एक संभावना नज़र आ गई। इसके पहले तो भाजपा कहती थी कांग्रेस मुक्त प्रदेश, कांग्रेस मुक्त देश, लेकिन अब कांग्रेस ने वापसी की है, उसकी अब संभावनाएं बढ़ रही हैं। अब जब आदमी को थोड़ा मिलता है तो बड़े लक्ष्य के साधने लगता है, जिसको टिकट नहीं मिलता वो कहता टिकट मिल जाए फुर्सत हो जाए, हम फिर कहता हम चुनाव जीत जाएं कोई कुछ नहीं चाहिए, फिर कहता हमें मंत्री बन जाए, राज्य मंत्री बन जाए, कैबिनेट बन गए, अब उनको लगेगा कि अच्छा विभाग मिल जाए। तो ये मानव स्वभाव भी होता है, अनंत है आप ऐसा कह रहे हैं जी। लेकिन देवव्रत, जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, इंदल सिंह कंसाना नाखुश, केपी सिंह नाखुश, ये तो अंदर के लोग हैं, ये नाखुश हैं, उन्हें अवसर नहीं मिला, फिर सहयोगी दल, बहुजन समाज पार्टी की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन समाज पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उसमें उन्होंने भी नाखुशी जाहिर की है अपने एकमात्र विधायक को शामिल न करने की वजह से। अभी वैसे 4 पद खाली रखे हैं कमलनाथ ने, उसके अलावा भी संसदीय सचिव बनाने की उनकी योजना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप कैसे देख रहे हैं, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है, इस तरह के असंतोष जो सामने आ रहे हैं वो उसको काबू कर लेगी, या कहीं ना कहीं कोई नेतृत्व जो है वो किसी ऊहापोह में या संकट में है? होता तब समस्या होती है, और निर्णय करने वाले अकेले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी नहीं है, दिग्विजय सिंह जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ऊपर पार्टी का हाई कमान है, और जिस तरीके से असंतोष की धमक लखनऊ तक पहुंची है तो अब निर्णय प्रदेश के नेताओं के बस का रहा ही नहीं, अब वो हाई कमान ही करेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो कहा है कि हम लखनऊ और रायबरेली और अमेठी में भी अब 2 सीटें जो लोकसभा की दे रहे थे वो भी नहीं दे, वहाँ भी प्रत्याशी खड़े करेंगे, तो अब तो ये मामला पूरा दिल्ली पहुँच गया, राष्ट्रीय हाईकमान के हाथों में पहुँच गया। आप किस तरह की रणनीति इसको कहेंगे कि आप जब सबको कैबिनेट बना रहे हो, 28 के 28 ही मंत्री आप कैबिनेट ले रहे हैं, राज्य मंत्री बना नहीं रहे कि भविष्य में आप प्रमोशन करो, आप ले लेते, एक सपा का था आपका पुराना कांग्रेसी था, 2 बार आपसे टिकट लेके लड़ा, उसको भी आप मंत्री बना सकते थे, एक बसपा का ले लेते, एक निर्दलीय आपने लिया, एक निर्दलीय और ले लेते, तो इसको अपन कहते कि अच्छी रणनीति, जब आप अल्पमत में हैं तो ये रणनीति ज़्यादा कारगर होती। आप क्यों नहीं केपी सिंह और कंसाना क्यों नहीं असंतुष्ट होंगे बताइए आप, जब वो 6 बार का जीता विधायक है, 7 बार के जीते विधायक, पहले ही मंत्री रह चुके हैं, तो वो क्यों नहीं, ये तो अपेक्षा होगी कि आप सरकार में आए हैं मंत्री बने, जबकि 2 बार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री बन गए, तो ये तो कोई इतना संत हो नहीं सकता राजनीति में कि जो चुपचाप बैठा रहे, उसके लिए फिर यही कहा जाएगा कि उसका कुछ जनाधान नहीं है, वो पार्टी के बूते ही ये राजनीति कर रहा है, उसकी अपनी कोई दमखम नहीं है, अपने कोई फॉलोवर्स नहीं है, तो वो सब मान अपमान वही सहेगा जिसकी अपनी खुद की काबिलियत ना हो।
हो सकता है ये बात सही है कि व्यक्ति व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है, लेकिन जब लोग परिवार में विद्रोह कर जाते हैं, आप देखें जब संपत्ति के बंटवारे भाई भाई का मर्डर कर देता है, पिता पुत्र का मर्डर कर देता है, तो अब तो मानव स्वभाव है जो, या जिसको अपन दार्शनिक और अध्यात्म लोग कहते कलयुग आ गया, तो अब यहाँ सब कुछ चाहिए और आज ही चाहिए और अभी चाहिए, और जब अवसर ऐसा है 15 साल बाद आया है सरकार है कि वो प्रतीक्षा कर सके, और जाहिर है 15 साल बाद कांग्रेस के लोगों को अवसर मिला है। प्रधान साहब कुछ मुस्कुराहट है चेहरे पर, क्या लग रहा है कि आप जो आपका विरोधी खेमा है सत्ता पक्ष जो है वो इस तरह के असंतोष से लड़ता भिड़ता रहेगा, परफॉर्मेंस शायद उतनी अच्छी ना कर पाए, या सरकार बचाए रहने की कवायद जारी रहे और आपको घेराबंदी करने का अवसर मिलता रहे, क्या क्या लगता है? तो ऐसे कैसे होगा, मतलब अगर यही असंतोष यही इसी तरह की चीज़ें बनी रहीं और ऐसे ही इसी तरह की परिस्थितियाँ बनी रहीं तो मध्य प्रदेश के विकास पर इसका असर पड़ेगा, और ये जनादेश है, इसको सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए यही तो मैं कह रहा था कि देश या प्रदेश में ऐसा जनादेश जनता ने दिया है कि जनता का ही सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हम ये नहीं कह रहे, ये अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हमको बहुमत मिला, इनको बहुमत नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला, हमको 109 सीटें मिली, इनको 114 मिली, ये मेजॉरिटी से ये भी दो शॉर्ट है, फिर स्पीकर बनना है कम है जी, तो आखिर ये आप 8 सीटें कम है जी, तो अभी इनका स्पीकर इनको चुनना है जो इनकी मर्जी का हो, तो हाउस में ये अब कैसे चलाएंगे? बहुत बढ़िया हैं माननीय राहुल जी की, बढ़िया पार्टी है, और वो क्या सब घोषणा तो वो मंच से ही कर गए थे, और कैबिनेट भी हुई नहीं, कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, और इन्होंने उसको सब पे ठप्पा लगा दिया। अब देखिए आगे होता है क्या जी। थोड़ा सा वही सवाल यही है कि जनता ने ऐसा जनादेश दिया तो अब वो राजनेता जो है वो 5 साल उसके हिसाब किताब चुकाते रहेंगे जनता से ही सारी चीज़ों का, क्या कह रहे हैं आप? मैं यही तो कह रहा हूँ कि जनता ने उम्मीदवार जिताए, कोई दल को नहीं जिताया, जो हमारे यहाँ से अच्छे उम्मीदवार थे वो जीत गए, जो कांग्रेस के अच्छे उम्मीदवार थे वो जीत गए, कुछ निर्दलीय जीत गए, पर इससे सरकार नहीं चलेगी। सरकार को चलाने के लिए एक दृढ़ नेतृत्व चाहिए जो इनके पास नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो नेता तय हुआ, फिर बड़ी मुश्किल से मंत्री तय हुए, अब उनके पोर्टफोलियो तय नहीं हो रहे, देश और प्रदेश दोनों का नुकसान हो रहा है, किसान यूरिया के लिए हाया कर रहा है, तो कानून व्यवस्था 2 दिन में ही तो नेता तय कर लिया था, इतना कहां बड़ी मुश्किल से हुआ, बड़ी जल्दी 2 दिन में ही कर लिया था प्रधान साहब, 2 दिन में ही तो किया था। एक मिनट संतोष, मैं आऊंगा आपके पास, प्रधान साहब से समझ लूं मैं, प्रधान साहब 2 ही दिन में तो नेता तय कर लिया था उन्होंने, ऐसा कितना दिन लगा दिया? 11 को रिजल्ट आ गया, 17 को नेता बने, नहीं 17 को तो 25 को मंत्री बने, अरे 17 को तो शपथ ली साहब, लेकिन 13 को तो नेता चुन लिया था उन्होंने। अब देखिए 2 ही दिन, ये 2 दिन भी आप 2 दिन भी आपको भारी लगते हैं, ज्यादा लगते हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ बड़े तजुर्बेकार माननीय सांसद रहे हैं जी, 9 बार से केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, देश विदेश में भी उनके बहुत पॉपुलर है जी, इसलिए तो हम कह रहे हैं अब चलाइए सरकार जी। नहीं जैसा स्पष्ट बहुमत की सरकार आपको मिली थी वैसे तो नहीं मिली है, तो चुनौतियां बड़ी हैं, अब आप सहयोग नहीं करेंगे तो फिर मध्य प्रदेश का ही नुकसान होगा। हम तो सहयोग मांगने तो आप 13 साल से साहब 15 साल तक आपने सरकार चलाई। पंकज पाठक क्या लगता है इस तरह से ये जो मंशा है, खासतौर से बीजेपी की भी जो मंशा है, कांग्रेस ने सरकार बना लिया, बीजेपी की जो मंशा है वो बार बार कह रहे हैं कि हम बहुत सशक्त विपक्ष हैं, हम ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे, और टाइगर अभी जिंदा है और जल्दी लौट, 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जल्दी लौटेंगे, ये जो चीज़ें ये सारी चीज़ें चल रही, क्या लगता है सरकार इस तरह से अस्थिर बनी रहेगी या ऐसे ही रोज़ असंतोष उभरते रहेंगे तो कैसे कामकाज चलेगा सरकार का, और प्रदेश का तो जाहिर है इस बात से नुकसान होगा, तो क्या जनादेश इस तरह से आया है तो अब क्या जनता से हिसाब किताब चुका ही लिया जाएगा इसका? देखिए दरअसल कांग्रेस को सिर्फ 2 विधायकों के बहुमत की आवश्यकता है जी, और उनको मिल गए 7 जी, कांग्रेस को 7 की आवश्यकता नहीं है जी, 4 कांग्रेस के जो पुराने विधायक निर्दलीय जीत के आए हैं उनका काम तो 2 से हो जाता है, बाकियों को अगर वो मंत्री नहीं बनाते हैं, नवाजते नहीं हैं, खासकर बीएसपी और एसपी को कुछ भी नहीं करते हैं, तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
ये सारे के सारे दो को अलावा पांच अगर भारतीय जनता पार्टी के पास भी चले जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कांग्रेस इन चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरह समझ रही है और एक बार सरकार का गठन हो जाने के बाद फिर वो इन चीज़ों को टालते रहेंगे। तो कमलनाथ उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं, रणनीति पे काम करें, चल और वो ठीक भी है। संतोष गौतम, आप कुछ कह रहे थे और उसके साथ साथ मेरा सवाल भी आपसे यही है, बिसाहू लाल सिंह बहुत असंतोष तो नहीं आया लेकिन ये तय माना जा रहा था बड़े पुराने नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, उनको कुछ ना कुछ अवसर मिलेगा, उनके अनुभवों का लाभ भी लिया जाएगा, मध्य प्रदेश में वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उन्हें मौका नहीं मिला, केपी सिंह को नहीं मिला, कंसाना को मौका नहीं मिला, ऐसे आपके अंदर ही कई ऐसे नेताओं को मौका नहीं मिला, कई लोग, संजय शर्मा का नाम भी काफ़ी चर्चा में था इसलिए कि वो ऐसे समय में आपके साथ आए, उनके आने से एक माहौल बना पूरा, ख़ासतौर से अगर हम बात करें महाकौशल में उनके आने से भी एक माहौल बना आपके पक्ष में, लेकिन उन्हें भी मौका नहीं मिला। अंदर और बाहर दोनों तरफ इस तरह की चीज़ें हैं और जातवाद, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा और देवदत्त आपसे भी मैं सवाल यही मेरा रहेगा कि ये जातिवादी, मतलब ये मीडिया का भी ये कौन सा तरीका है, वो भी संतोष मैं आपसे भी समझना चाहूँगा उस पर और देवदत्त आपसे ज़रूर समझूंगा इसको कि ये क्या इतने ठाकुर बना दिए, इतने ब्राह्मण बना दिए, इतने ये किस तरह का, ये कहाँ जा रहा है ये रिपोर्टिंग का सिलसिला, मुझसे है ना सवाल? हाँ, आपसे सवाल है लेकिन शुरुआत आपसे असंतोष से ही है। बिल्कुल बिल्कुल, संतोष से असंतोष के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इतने में प्रधान साहब विचलित हो गए कि दो दिन में कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही पोर्टफोलियो का, वो बारे हो गई। अरे अरे भाई, हमने तो इतनी तेजी से फैसले लिए हैं सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री ने जो कर्ज माफी की घोषणा की वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये 10 दिन गिनने वाले थे, उन्होंने 3 घंटे के अंदर फैसला कर दिया। जो सरकार 13 सालों से किसानों पर अत्याचार कर रही थी उसकी कर्ज माफी नहीं कर पाई, उसके सरकार हमारी सरकार बनते हमने 3 घंटे में अगर कर्ज माफी की है, क्या प्रदेश के साथ अन्याय हुआ ये? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 2 दिन प्रदेश सरकार ये फैसला लेने में देर कर दे कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, इससे कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। असली बात मंशा की है, जो कमलनाथ जी ने आते से अपने नेतृत्व क्षमता से दिखा दिया है कि निर्णय लेने की उनकी क्षमता कितनी तेज है। दूसरी बात, टाइगर अभी जिंदा है जैसे जो बयान ये दे रहे हैं, इसका मतलब ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यकीन नहीं रखते हैं, ये हमेशा चाहते हैं कि कैसे भी तोड़ फोड़ कर विपक्षियों की सरकार गिरा दी जाए, और इसके सबके मास्टरमाइंड अमित शाह हैं जो इनके मुखिया बने हुए हैं, और मैं इन पर नहीं जाना चाहूंगा कि वो तड़ी पार भी रहे हैं, इन सब बातों को मैं दूर रखना चाहता हूं, लेकिन हाँ फिर भी कह देंगे लेकिन दूर रहते हैं, इनकी लार टपकती रहती है सत्ता को देखकर, लेकिन इनको पूरी जनता की भावना को समझना चाहिए। 3 राज्यों में जिस तरह से इनका सुपड़ा साफ हुआ उसके बाद भी कह रहे हैं लो मार्जिन से रह गए, अरे भाई भावनाओं को समझिए, तिकड़मे करने से जरूर आप कुछ अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐदल सिंह जी को नहीं लिया या फिर हमने केपी सिंह जी को नहीं लिया, बिसाहू लाल सिंह जी को नहीं लिया, अगर गोविंद सिंह जी को नहीं लिया होता और इनको ले लिया होता, या गोविंद राजपूत को नहीं लिया होता इनको ले लिया होता, तो आज हम उस पर चर्चा कर रहे होते। ये तो अंतहीन चर्चाएं हैं, इनका कोई विषय इसलिए नहीं है कि सभी को संतुष्ट करेगी कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में, लेकिन हाँ जरूरी नहीं कि सारे फैसले एक ही दिन में हो जाएं, अभी मंत्रिमंडल का और विस्तार बाकी है, अन्य जो असंतुष्ट लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं समावेशित किया जाएगा, लेकिन हम निर्णय लेने का जो फैसला है वो सरकार पर छोड़ दें और विपक्ष का धर्म सक्रियता और उससे निभाए, मेरा ये प्रधान साहब से आग्रह है। चलिए, मेरे एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया देवव्रत, आपसे आखिरी सवाल भाई है कि क्या सरकार को कामकाज करने का अवसर नहीं मिलेगा, बार बार इसी तरह की चीज़ होगी, विपक्ष बहुत मजबूत है, और दूसरा सवाल ये कि ये कैसी रिपोर्टिंग है कि इतने ब्राह्मण बना दिए गए, इतने छत्री बना दिए गए, इतने बना दिए गए, इतने ये बना दिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको भी आप कैसे देखते हैं? क्या नेता किसी एक वर्ग का होता है? नहीं, जाहिर सी बात है विधायक चुना जाता है तो सारे वर्ग उसको चुनते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो जिस वर्ग का है वहाँ उस वर्ग की आबादी भी लगभग नहीं होती, लेकिन जब मंत्रिमंडल या इस तरह की चीज़ों को है तो वो एक बिल्कुल सेलेक्टिव हो जाता है उन सब चीज़ों को देखना, इसको कैसे देखते हैं आप? आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है, राजनीति में जातिवाद एक दीमक की तरह है और ये वो लोग उठाते हैं जिनमें पुरुषार्थ नहीं होता, जो अक्रमण होते हैं, जिनका कर्म नहीं जनता पहचान पाती, जो केवल जाति का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहते,
कोई भी दल हो, और ये स्थायी नहीं है। राजनीति के जितने भी लोगों ने राजनीति जाति की है वो छणक रहे हैं, कुछ सालों के रहे, कई कई 5-10 साल कोई उम्र नहीं होती, ये तो जीवन चलना है, देश चलना है सालों साल। तो जिन जिन जाति की राजनीति की वो सफल नहीं हुए, आज मायावती की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, तीसरे दल की स्थिति है। और जिन जिन लोगों ने जाति की राजनीति की है, केवल वही लोग करते हैं जो सेवा से, पुरुषार्थ से जन समर्थन नहीं हासिल करते, तो वो जाति की राजनीति, वही बिल्कुल मानवता की बात होना चाहिए। और खासकर जैसा आपने कहा, जब आप निर्वाचित हो जाते हैं आप सबके जनप्रतिनिधि हैं। मीडिया का भी जो रवैया है, हमारे मीडिया के का भी ये रवैया है, सुर्खियां यही होती हैं, इस जात के इतने, इस जात के इतने, इस जात के इतने। ये मुझे जो एक्सक्लूसिव की वो आई ना अपने जो तुरंत वाला, और जो बड़ा विश्लेषण, बड़ा अध्ययन करके जो प्रवृत्ति आई कि हम कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसमें वो ये कैलकुलेशन लगाते हैं कि हमने छांट ली इतनी जाति के, इनके कितने समर्थक हैं। ये एक है, अब वो क्या है, समाज में जो चलेगा ना उससे कोई अछूता नहीं रहेगा। उसी में मीडिया का अपना एक कर्तव्य है, अपनी एक जिम्मेदारी है, और शायद ये करके मीडिया अपनी उस जिम्मेदारी को निभा नहीं रहा है, मेरा ये अपना मानना। आपका क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, मीडिया भी, मैं वही बात कह रहा था कि समाज में जो होता है ना वैसी फिल्में बनती है, वैसे मीडिया का रोल होता जाता है, लेकिन सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए अपने देश के लिए। मीडिया को एक आखिरी सवाल था जल्दी से, इसलिए कि प्रधान साहब को जाना है, वो बार बार घड़ी देख रहे हैं। मेरा ये आपसे सवाल था कि ये इसी तरह से अगर 5 साल आँख मिचौली की सरकार चलती रही, अंदर और बाहर दोनों तरफ से इस तरह का दबाव बनता रहा, तो कमलनाथ कैसे सरकार चलाएंगे, और क्या लगता है इससे प्रदेश का नुकसान होगा? बिल्कुल, जो रफ्तार में देश प्रदेश चल रहा था उसमें तो अभी ब्रेक लगा, और स्वाभाविक है जब परिवर्तन होता है, ये प्रसव पीड़ा से गुजरी है अभी, तो इसका थोड़े दिन कष्ट रहेगा, हमें अभी इंतजार करना चाहिए। मैं तो प्रधान जी से भी कहूँगा कि इतनी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समय दें उनको। आपको तो कितना समय दिया कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका में आते आते 15 साल लगा दिए जी, तो अभी थोड़ा सा समय दें, अभी थोड़ा बच्चा हुआ चलने फिरने दें, थोड़ा चले, जब गलती करे गिरे तब आप प्रश्न उठाइए, क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष के साथ विपक्ष को भी उतना ही हक है अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनने का। तो अभी देखिए कि कमलनाथ जी का जो अनुभव रहा है, उम्मीद ये की जाती है उसका फायदा मिलेगा, मतलब जमने में थोड़ा, पिच पे जमने में थोड़ा समय लगता है, फिर वो जमे छिंदवाड़ा में तो 10 बार से सांसद चुने गए, तो एक थोड़ा समय दीजिए उनको काम करने का। चलिए, शैलेंद्र प्रधान आप हमारे साथ जुड़े, पंकज पाठक आप हमारे साथ जुड़े, संतोष गौतम आप हमारे साथ जुड़े, और देवव्रत दुबे आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल यही है कि टीम कमलनाथ तो बन गई, अभी किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, क्या विभाग होगा मंत्री के पास, ये अभी भी अच्छे प्रश्न है, और साथ ही असंतोष भी कई जगह दिख रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। लेकिन कमलनाथ एक कुशल, उनका नेतृत्व है, उनकी कुशलता पर कोई शक शुभा नहीं है किसी को, और सबको लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार चलेगी, बेहतर चलेगी और विकास के काम भी करेगी, और जाहिर है ये अवसर जिसे मिला है उसे देना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे आगे होता क्या है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए।